रांची में होने वाले मैच को लेकर बड़ा अपडेट है। कुछ चीजों पर लगा बैन अभी फिलहाल हट जाएगा। खाने पीने पर लगी पाबंदी भी हटेगी। मुख्यमंत्री ने JSCA के पदाधिकारियों को यह पाबंदी हटाने का आश्वासन दिया है। राहत भरी खबर है ये, भारत न्यूजीलैंड T20 के दिन बारिश की संभावना नहीं है। 19 नवंबर को होने वाले भारत न्यूजीलैंड T20 मैच में स्टेडियम की पूरी क्षमता यानी 38,000 दर्शकों को मैच देखने की अनुमति मिल सकती है। झारखंड स्टेट क्रिकेट स्टेडियम द्वारा दिए गए संबंधित प्रस्ताव पर राज्य सरकार विचार कर रही है। जानकारी के मुताबिक राज्य में कोरोना के रोज कम हो रहे मामलों की समीक्षा के बाद राज्य सरकार स्टेडियम की क्षमता के 100% दर्शकों को प्रवेश की अनुमति देने पर विचार कर सकती है। 1-2 दिनों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकृत समिति इस पर आदेश जारी कर सकता है। मैच के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल के तहत स्टेडियम के अंदर खाने पीने की चीजों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है। संक्रमण की धीमी हो रही रफ्तार की समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने छूट देने का मन बनाया है। मुख्यमंत्री ने JSCA के पदाधिकारियों को ये पाबंदी हटाने का आश्वासन दिया है, यानी जल्द ही आपदा प्रबंधन समिति द्वारा पूर्व के आदेश में संशोधन कर दिया जाएगा। JSCA क्रिकेट स्टेडियम में एक साथ 38,000 दर्शक बैठकर मैच का लुत्फ उठा सकते हैं। 50% दर्शकों को ही प्रवेश की अनुमति देने पर लगभग 19,000 लोग ही मैच लाइव देख पाएंगे। इस वजह से काफी कम टिकट आम लोगों तक उपलब्ध हो रहे हैं। खेल प्रेमियों के लिए राहत भरी खबर यह है कि भारत न्यूजीलैंड T20 के दिन बारिश की संभावना नहीं है। मौसम केंद्र के अनुसार इस दिन आकाश में बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना कम है, तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये एक गुड न्यूज है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।